सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या विवाद की सुनवाई शुरू की थी तभी साफ कर दिया था कि अदालत के लिए मुकदमा सिर्फ जमीन विवाद का है। फिर अचानक इस मामले की सुनवाई टालने के लिए मांग शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने से मना किया तो सवाल ये उठा दिया गया कि पहले तय हो कि नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस सवाल का निपटारा भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद और नमाज का मामला मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने उठाया था। उन्होंने 1994 के संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया जिसमें अदालत ने टिप्पणी की थी कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, उसके लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद की सुनवाई आगे बढ़ाने से पहले मस्जिद और नमाज का मुद्दा सुलझाने की दलील मान ली। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस और जस्टिस अशोक भूषण ने अपने साझा फैसले में कहा कि 1994 के संविधान पीठ के फैसले का अयोध्या जमीन विवाद के मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है, वो फैसला किसी और संदर्भ में था, इसलिए 1994 के फैसले को बड़ी बेंच के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट की कि एक मॉस्क एसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम की नहीं है तो लोग मॉस्क बनाते किस लिए हैं? ये जामे मस्जिद प्रोटेक्टेड है कि नहीं प्रोटेक्टेड है? अब लोग कहेंगे कि नहीं, इसके बाद तो प्रोटेक्टेड नहीं है, सिर्फ काबा प्रोटेक्टेड है। ये रीजनिंग बिल्कुल गलत है कि इसका कोई असर अपीलों पर नहीं पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन या लीगल क्वेश्चन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा, जैसा मुझे बताया गया, कि ये रिलेवेंट नहीं है उस अपील के ताल्लुक से, और ये एक कंटेक्स्ट में ऑब्जर्वेशन थे, दे वर नॉट मीन फॉर जनरल यूज। सुप्रीम कोर्ट ने फिर साफ किया कि अयोध्या के विवाद सिर्फ जमीन के मालिकाना हक का है जिस पर अदालत सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 अक्टूबर से शुरू होगी। मस्जिद और नमाज का मुद्दा किनारे होने के बाद उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद का निपटारा जल्द हो जाएगा। हाई कोर्ट ने एक रास्ता निकाल दिया है और उसी रास्ते के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को भी करना है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के सबूत वहां उपस्थित हैं, वैसे सबूत के आधार पर निर्णय हो जाएगा। ये पढ़ी जाती है कि वहां जमात से पढ़ी जाती है, नमाज वही होती है जो बाहर होती है वो अंदर होती है, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पूरे देश के मुसलमानों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, मुकदमे पे ना कोई असर पड़ेगा, मुकदमा मंदिर और मस्जिद का है ना कि नमाज का। बाधा और दबाव बनाने का तरीका ये वाला था, यह पराजित हुआ, यह विषय बड़ी बेंच में नहीं जाएगा और इसलिए राम जन्मभूमि की मुख्य अपीलों को सुनने का रास्ता साफ हो गया है, इसका मुझे संतोष है। तो क्या अयोध्या विवाद के हल का रास्ता साफ हुआ है? अयोध्या जमीन विवाद लटकाने में आखिरकार किसका फायदा था? इन्हीं सवालों पर महाबहस होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम शुक्ला जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, सैयद वसीम रिजवी जी जो कि चेयरमैन है यूपी शिया पर्सन लॉ बोर्ड के, हरिशंकर जैन जी जो कि वरिष्ठ वकील है हिंदू महासभा के, मौलाना साजिद रशीदी जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और मुफ्ती नदीमुद्दीन जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया। महाबहस करने के लिए हमारे साथ सैयद वसीम रिजवी साहब जुड़े हुए हैं जो कि चेयरमैन है यूपी शिया पर्सन लॉ बोर्ड के। आपको क्या लगता है रिजवी साहब, इसको लटकाने में किसका फायदा था? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो इसमें एक साल तक जो बहस चली और उसमें लटकाने में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का था जिनका केस कमजोर था, जो चाहते ही नहीं थे कि सुनवाई हो। कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई कि 2019 के बाद सुनवाई की जाए, उनके जो वकील थे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे कपिल सिब्बल साहब, उन्हीं ने कहा, और उसके बाद जब वो बात खारिज कर दी गई तो फिर इस बात को ले आया गया कि पहले उस फैसले पर रिव्यू हो जाए जो कि इस्माइल फारूकी वाले केस में किया गया था। अब आप ये बताइए दीपक जी कि इस्माइल फारूकी वाले फैसले से इससे मतलब क्या था? भाई, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है या नहीं है, इससे क्या मतलब है? अगर मान लिया जाए कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी है तो क्या राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाने की इजाजत कोर्ट दे देगी? या ये मान लिया जाए कि जरूरी नहीं है तो क्या फिर बाबरी पक्षकार वहां से अपनी मस्जिद का क्लेम खत्म कर देंगे? ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, ये सिर्फ उलझाया गया था कि इसको किस तरह से। और देखिए, भागता वही है कि जिसके पास हार के इम्कान ज्यादा हो, जो ये समझ रहा हो कि हमारे मुकदमे में कुछ नहीं है, हम हार जाएंगे, वही भागता है। इसलिए मेरिट के ऊपर फैसला करने की हिम्मत नहीं, बहस करने की हिम्मत नहीं है बाबरी पक्षकारों की।
बाबरी पक्षकारों की हिम्मत नहीं है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, आपको लगता है कि आपका केस कमजोर है? देखिए, केस बिल्कुल कमजोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज जरूरी नहीं समझा उसको रद्द कर दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल पहले से है कि मामला लैंड डिस्प्यूट का है, वो लैंड किसकी नहीं, है? तो इसमें 24 साल बाद इसको क्यों लाया गया? मैं तो ये जानना चाहता हूँ 24 साल बाद एकदम से क्यों आया कि इस्माइल फारूकी के जजमेंट को रिव्यू किया जाए? ये तो लटकाने की कोशिश थी ना। कोई लटका नहीं रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में आने वाला वक्त बताएगा। कोई लटकाने की जरूरत नहीं और लटकाने से लटकने वाला भी नहीं है। मगर वसीम रिजवी को इतनी बेचैनी क्यों है? आखिर इसके दलाली के पीछे, वसीम रिजवी की दलाली के पीछे इराज क्या है? दो महीने का केस है ये, दो महीने का। अगर के एक साल इन्हीं ने टाला है, अगर दो महीने ये रेगुलर बहस कर ले तो दो महीने में निर्णय आ जाएगा। दो महीने से ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। अगर ये लोग बहस से भागे ना, मेरिट के ऊपर बहस कर ले तो दो महीने में राम मंदिर बनना तय हो जाएगा। ये बात साफ हो रही है। आपको दर्द क्या है? आपका इसमें सांठगांठ क्या है? आप इसमें है कौन? अरे भाई, हमको बेचैनी इसलिए हो रही है क्या? क्यों आप भाग रहे हैं? अरे आप भाई बहस कीजिए ना, हम भी पार्टी हैं। आपको कहने से क्या होता है? अरे इस देश के नागरिक तो है ना, इस देश के नागरिक तो है ना। आप कौन है? अरे लेकिन नागरिक के तौर पे वो अपनी बात का इजहार नहीं कर सकते। कर रहे हैं तो गलत क्या है? मामला सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, होने वाली है, वक्त बताएगा। जिसके पक्ष में फैसला होगा सभी मानेंगे, हिंदू और मुसलमान मानेंगे। तो हेयरिंग से आप भाग क्यों रहे? आप हेयरिंग से भाग क्यों रहे? 2019 का रिव्यू के टाइम पे आप मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, कौन कह रहा है कि? लेकिन मामला तो कई सालों से चल रहा था ना। ये बात 2004 में भी आ सकती थी, ये बात 2009 में भी आ सकती थी, ये बात 2014 में भी आ सकती थी, ये बात 2019 में ही क्यों? 2019 का ही नाम क्यों बोलना साहब? फैसला आएगा क्या बनेगा? 30 साल से भाजपा मुद्दा बना करके शिखर पर पहुंची, दो दो उनके पीएम बने, उन्होंने हल क्यों नहीं किया? क्योंकि मामला कोर्ट में था, वो कैसे हल करते हैं? मामला कोर्ट में था, मामला तो कोर्ट में था, आज भी तो मामला कोर्ट। अरे भाई, कोर्ट डिसाइड कर रहा है ना, आप चाहते हैं कि कोर्ट डिसाइड करे? आप लोग चाहते ही नहीं कि कोर्ट डिसाइड करे? आप लोग चाहते ही नहीं? आप तो कोर्ट नहीं चाहता है। हम क्यों नहीं चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मामला हल हो और सुप्रीम कोर्ट को हल करना चाहिए। जब बहस कीजिएगा तभी तो कोर्ट आने की क्या जरूरत? कोर्ट में आप राम जी मेरे सपने में आए, राम जी ने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, तब राम जी पार्टी के सपने में आएंगे। जब आप कोर्ट का वक्त ये खराब ना करते रहेंगे, सालों इन दलाल के सहने में आएंगे। और भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा ना कि मुफ्ती साहब यही बात चाहते। ऐसे आदमी के साथ कोई मर्यादा की बात नहीं करेंगे जिसका कोई वजह ही नहीं है। अरे भाई, लगा एक शख्स गया सुप्रीम कोर्ट में। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा, जब से मैंने हक बोला। सैयद वसीम रिजवी साहब, इनका सवाल मैं नटशेल में समझा देता हूँ आपको, इनका सवाल नटशेल में समझा देता हूँ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप ऐसे क्यों हो रहे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप हमको मारने के फतवे देते हैं। अरे आप हमको तुमको फतवा देकर कितने जुल्म करेंगे हमारे ऊपर? कौन फतवा देगा? किसको जरूरत पड़ी है आप? अरे भाई, कितने जुल्म करोगे हमारे ऊपर? आपने तो जुल्मों का पहाड़ हम पर तो हमको मारने का, आप हमको मार के हज पर भेजोगे? क्या क्या नहीं किया है आपने? अच्छा ठीक है, हम व्यक्तिगत ना हो, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। जब भी आप नमाज पढ़ते रहोगे, तुम्हारा इस्लाम ये नहीं कहता मुफ्ती साहब कि आप किसी भी गजबी जगह पर नमाज पढ़ो। नमाज के नियम होते हैं, विवादित जगह पर नमाज पढ़ी जा ही नहीं सकती है। और विवादित है नहीं, राम जन्मभूमि बना रहे हो, जमीन है, विवादित ये मानना पड़ेगा। 1949 तक वहाँ इबादत की गई, वो मस्जिद है, हम बना रहे हैं। अरे 2000 लोग मर चुके हैं, इतनी खून की नदियां बह चुकी है, आप कह रहे हो विवादित नहीं है? आप विवादित बना रहे? अरे भाई शर्म करो, आप जबरदस्ती बहाएंगे। इतना बड़ा विवाद जब से लेके आज तक चाहते विवाद बना रहे, क्या वो लोग बनाएंगे? वो विवाद कर रहे होते चले जाओ। लेकिन आप लोगों ने भी तो विवाद किया मुफ्ती साहब, ये क्या गलत है? ये क्या गलत है कि आप लोगों ने भी विवाद किया? आप लोग भी अड़कर खड़े हो गए कि नहीं नहीं ये बाबरी मस्जिद की है। विवाद नहीं था, हमने विवाद किया, हमारी मस्जिद को आपने गिरा दिया, विवाद आपने पैदा किया, हमने पैदा किया। ये आपकी और मेरे की बात नहीं है, ये बात बोल रहा हूँ।
विवादित नहीं थी मस्जिद गिरने से पहले? विवादित जगह पर नमाज पढ़ना तुम्हारा जायज है? पहला जवाब दीजिए। हाँ, पहले तो आपको ये मालूम नहीं कि वो विवादित जगह है, आप जबरदस्ती बना दिए। और जहाँ विवादित नहीं बना सकते वहाँ मस्जिद कैसे बना सकते हो? चलिए प्रेम शुक्ला जी के बाद चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये विवादित जगह है या नहीं है ये बताइए। अगर विवाद नहीं है मुफ्ती साहब ये बताइए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों है? विवाद नहीं है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों है बताइए प्रेम शुक्ला जी। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष क्या था? मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद झगड़ा हो रहा है, अधूरा फैसला था। प्रेम शुक्ला जी, सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीनों के लिए दीपक जी देखिए, संविधान में असत्य बोलने की आजादी हो सकती है, लेकिन असत्य को न्यायपालिका स्वीकार ले, विधायिका स्वीकार ले, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। वहां पर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जाकर जांच करता और बताता है कि जो तथाकथित ढांचा था जिसको ये मस्जिद होने का क्लेम करते हैं, वो एक भव्य मंदिर को गिराकर उसकी सामग्री से बनाया गया था। तो किसी मंदिर की सामग्री से बनाए गए किसी भी ढांचे को मस्जिद के रूप में इस्लाम में कबूल नहीं किया जा सकता। ये वसीम रिजवी सही कह रहे हैं, एक बात। दूसरा मुद्दा कि आप 1885 से लगातार मुकदमा लड़ रहे हैं, 1885 से 133 वर्ष बाद भी जब भी अवसर आता है निर्णय का, भाई लोअर कोर्ट उसने जो है मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, हाई कोर्ट उसने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, सर्वोच्च न्यायालय में मंदिर के पक्ष में डे टू डे सुनवाई हो जाए फैसला आ जाएगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड चला गया कहा भाई 2019 के बाद फैसला करो, एक दूसरा। फिर राजीव धवन खड़े हो गए, उन्होंने जस्टिस एम एल वेंकट चलैया का इस्माइल फारूकी वाला मामला ला दिया। इरादा क्या था? इरादा यह था कि मामले को विलंबित करो, क्योंकि न्यायपालिका में न्याय के आधार पर कभी भी मस्जिद के पक्ष में फैसला नहीं लाया जा सकता, सिर्फ जो है उसको विलंबित किया जा सकता है। तो विलंबित करने की जो सीमा है वो पूरी कर ली है इन्होंने। अब जो है उस पर न्यायपालिका डे टू डे 29 अक्टूबर के बाद अगर सुनवाई कर देता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एक पक्ष। दूसरा, विवादित तो है ही, उसको विवादित ढांचा के नाम से तो केस ही एडमिट है, वो चाहे लोअर कोर्ट की केस हो, चाहे हाई कोर्ट की केस हो, या सुप्रीम कोर्ट की केस हो। आप पढ़िए ना, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो इसको विवादित ना कहना। ये नदीमुद्दीन का यजीद जैसे जो है पैगंबर साहब को, पैगंबर साहब के नवासों को आप अपनी खलीफा मानने को तैयार नहीं था, वैसे इनकी हरकत है। मैं नहीं बोला, जबान को लगाम दीजिए, आप बहस करिए, आप तर्क जबान आप दलाल से अनुमति दीजिए। मैं, अरे ऐसा है, तर्क मैं बहस ही कर रहा हूँ, दलाल वलाल तो आप बोल रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग आप करते हैं क्योंकि आप हताश हैं। हारे हुए व्यक्ति हताशा वाले शब्दों का, हताशा की बात मैं बहुत ही आप अपनी बात और संसदीय प्रयोग कर रहा हूँ, और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप असभ्य शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि अभद्रता करने का मेरे पास भी अधिकार है। आप अभद्रता करेंगे, मैं आपसे ज्यादा जबरदस्त अभद्रता भी करूंगा, आप फिर आपको बहुत बुरा लगेगा और दीपक चौरसिया जी का शो खराब होगा। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, मुफ्ती साहब को भी मैं बोलता हूँ कि मुफ्ती साहब कम से कम सही भाषा का इस्तेमाल हम एक दूसरे के लिए करें तो बेहतर होगा। साजिद रशीदी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 1994 का इस्माइल का जजमेंट 2018 में 24 साल बाद क्यों याद आता है राजीव धवन को कि नहीं पहले इस पर फैसला होना चाहिए? साफ बात थी वो लटकाना चाहते थे, साफ बात थी कि आप लोगों की दलीलें कमजोर थी। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि दलीलें कमजोर थी, और आज भी इस मामले से आने वाले वक्त में उस मामले पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। इसको रिव्यू पिटीशन में चले गए कि साहब इसको फाइनल कर लीजिए, अलग जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये तय नहीं करेगा कि मैं नमाज कहां पढ़ूंगा या प्रेम शुक्ला जी पूजा कहां करेंगे, मस्जिद होनी चाहिए कि नहीं, मंदिर होना चाहिए कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा, ये रिलीजियस मैटर है, इसमें कोर्ट का कोई मामला नहीं है। हाँ, असंवैधानिक है, गैर असंवैधानिक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को बोलने की इजाजत है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी, ये पूरी दुनिया ने देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, बाबरी मस्जिद का नाम उसमें कहीं ना कहीं जरूर आएगा, उसके बगैर इतिहास मुकम्मल नहीं हो सकता। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी
अपने अपने वक्तव्य में इस बात को दोहराया था कि ये हिंदुस्तानी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने वक्त में पार्लियामेंट में खड़े होकर बाकायदा ये बात कही थी कि ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है और उसको धब्बा करार दिया था। तो मेरा मानना यह है कि जिस चीज को आपने जानबूझकर एक ऐसा विषय बना दिया है अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए और पूरे देश को उलझाकर रख दिया है, बहुत सारे लोगों का की जानों का इसमें नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ और आगे भी इसको आप करना चाहते हैं कंटिन्यूअस, तो इसमें कहीं ना कहीं तो विराम लगाइए, कहीं ना कहीं तो सोचिए। जान बहुत बड़ी चीज है, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं दीपक चौरसिया जी, तो आप दावा छोड़ दीजिए, सुनिए एक मिनट सुनिए, आप दावा छोड़ दीजिए, आप बोलिए कि हिंदू लोग जाएं, बहुमत है, देखिए मस्जिद की जगह मंदिर बना ले, आप जाइए बोलिए विवादित ढांचे पर मंदिर बना ले, तो दीजिए मुझे बोलने तो दीजिए। मैं बड़े दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, मस्जिद के लिए किसी एक मुसलमान की जान भी नहीं जानी चाहिए, इंसान की जान मस्जिद से बढ़कर है और मैं समझता हूँ हिंदुओं की चली जाए मंदिर बनवाने और मस्जिद की चली जाए, अरे सुन तो मुसलमानों की नहीं जानी चाहिए, मुझे दूसरा पाठ तो बोलने दीजिए। हिंदू धर्म में भी मंदिर के लिए किसी हिंदू की जान जाना कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, मुझे कोई विद्वान आके बता दे कि हिंदू धर्म में कहीं लिखा हुआ है। ये सब कुछ राजनीति है, राजनीतिक षड्यंत्र है, ये चलता रहेगा। राम मंदिर के मामले में बीजेपी तो और कांग्रेस दोनों बराबर है, तमाम सियासी पार्टियां, मैं मानता हूं तमाम सियासी पार्टियां बराबर हैं, क्यों पार्टी बनते हैं आप लोग, मिल बैठ के सुलझा दीजिए मामला, सियासी पार्टियों को अलग करिए। अच्छा सुनिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए श्री श्री रविशंकर इसमें बीच में आए थे, उनको इन्हीं के लोगों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने दलाल कहकर पुकारा, 5 करोड़ की और 25 करोड़ का इल्जाम उनके ऊपर लगाया। जो भी आदमी सामने आना चाहता है, आपको याद होगा बेंगलोर में एक मीटिंग हुई थी, निर्मोही अखाड़े के वो पहुंचे थे वहां पर, मैं धर्म क्या नाम है उनको मैं जहन से निकल गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के निकलने के फौरन बाद ये कहा कि रामलला का इसमें कुछ भी नहीं है, ये निर्मोही अखाड़े का सब कुछ है। तो पहले तो निर्मोही अखाड़ा और रामलला तय कर लें कि असल जिम्मेदार कौन है। निर्मोही अखाड़ा हमेशा से बोलता है कि ये रामलला की जगह है, मैं नहीं बोलता, नहीं बोलता, आप बिल्कुल, मैं आपको मैं चौरसिया जी आप गलत बात बोल रहे हैं, आपके पास सेक्स का भाव है, मैं क्लिप दे दूंगा, आपके पास सेक्स का भाव, अच्छा अगर क्लिप में आपको उसकी दे दूं तो आप दे दीजिए। और क्या उन्होंने बाकायदा श्री श्री रविशंकर के यहाँ से निकलने के फौरन बाद बोला, और आज नहीं मैं आपको दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ, आप दोनों को बिठा लीजिए, उनको तैयार कर लीजिए कि भाई वो आपस में तय है कि नहीं, मुसलमान को बैठने को तैयार है, इसके लीडर आप हैं, मुसलमान बैठने के लिए तैयार है, आप लोगों को बिठाने के लिए, प्रेम जी की अगर नियत सही हो, मैं तो डिबेट कर सकता हूं, प्रेम जी की अगर नियत सही हो राम मंदिर बनाने की, राम मंदिर तो दो एक दिन भी नहीं लगता राम मंदिर बनने में, तो आप लोग बोलिए ना, हमको कोई आपत्ति नहीं है राम मंदिर बनाने में, आप लोग बोलिए ना, अरे किसी को भी आपत्ति नहीं है, मुझे बताइए किसको, आप मुझे बताइए, सुना दूं मौलाना साजिद रशीदी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी मुसलमान को नहीं है मेरे भाई, आपकी ब्रेकिंग न्यूज़, किसी मुसलमान को नहीं, मौलाना साजिद रशीदी को राम मंदिर बनाने की, अच्छा एक बात बताइए मैं चला दूं ब्रेकिंग न्यूज़ बताइए मुझे मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। मैं एक जगह एक मंदिर में गया, मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूं, नमाज का मेरे टाइम हो गया, मैंने पुजारी जी से कहा भाई मुझे नमाज पढ़नी है, उस बेचारे ने साफ कपड़ा दिया मंदिर में, मुझे एक जगह बताई कि यहां नमाज पढ़ लो, क्या यह हिंदुस्तान नहीं है, यही हिंदुस्तान है, फिर यही हिंदुस्तान है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी नहीं चाहते, आप में से कुछ लोग प्रेम शुक्ला जी नहीं चाहते, प्रेम शुक्ला जी नहीं चाहते कि ये हिंदुस्तान बना रहे, दिक्कत थी, प्रेम शुक्ला नहीं चाहते, मुझे बताइए विश्व हिंदू परिषद नहीं चाहता, आरएसएस नहीं चाहता कि ये हिंदुस्तान बना रहे, क्यों 24 साल बाद ये पिटीशन याद आई, सीधी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, एक मिनट, मैंने हरिशंकर जी से सवाल पूछा है, फिर आपके पास आप स्वतंत्र है, सवाल पूछना है आप पूछेगा मुझे एक मिनट, दस सेकंड चलिए 10 सेकंड ले लीजिए जी। आपको देखिए मंदिर में जो है नमाज अता करने के लिए पंडित जी ने अवसर दिया ना, आप मुझे मस्जिद बताइए जहां मैं शिव जी का पिंडी रखकर पूजा करने का आप मुझे अनुमति देंगे, कृपा करके एक मस्जिद बताइए। अब मेरा जवाब पूर्ण होना चाहिए ना, अब मेरा जवाब सुन लीजिए, अगर हमारी मस्जिद में मूर्ति पूजा की कोई गुंजाइश होती तो आपको भी इजाजत मिल जाती, हमारे यहां मूर्ति पूजा की गुंजाइश नहीं मेरे भाई,
ये समझना पड़ेगा आपको, ये सुन लिया, ये समझना पड़ेगा, यही तो फर्क है, यही तो फर्क है प्रेम शुक्ला जी साजिद रशीदी में, मौलाना साजिद रशीदी और प्रेम शुक्ला में यही तो फर्क है। आपका सेक्युलर तो मधुरा हुआ नहीं, आप कहते हैं मंदिर में तो मैं नमाज पढ़ूंगा लेकिन मस्जिद में पूजा नहीं करने दूंगा। चूंकि मैंने ऐसा कोई काम मंदिर में नहीं किया जो उनकी पूजा के खिलाफ हो, हमारी पूजा के खिलाफ है मूर्ति पूजा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया मंदिर में। जैन पूजा के खिलाफ हो, मैं हरिशंकर जैन जी के पास जाऊंगा, जैन प्रेम शुक्ला जी मंदिर पर आता है, थोड़ा समझ के बोला कीजिए, करोड़ों लोग देखते हैं भाई, करोड़ों लोग उदारवाद का यही अंतर है, मौलाना रशीदी कट्टर है और प्रेम शुक्ल उदार है, ये सिद्ध हो गया। आप मुझसे लिबरल नहीं हो सकते, आप कट्टर हैं, अगर आप लिबरल होते मंदिर बन गया होता। मैं तो सिद्ध कर रहा हूँ, आप लिबरल होते तो मंदिर बन गया होता साहब, मैं उल्टी बात बोल रहा हूँ। प्रेम शुक्ला से कहिए चलिए, प्रेम शुक्ला से कहिए चलिए मंदिर बनाए, मुझे मस्जिद दिखाइए, चलिए मंदिर चलिए मंदिर चलिए मैं प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला अपनी पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान दे दे कि बीजेपी आज मंदिर बनाना चाहती है, मैं तैयार हूँ। पार्टी कहाँ से आ गई इसमें, बोलिए पार्टी कहाँ, बुलवाइए बयान, पार्टी कहाँ तैयार, हम तो समाज रशीदी तैयार है, हम तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हम साजिद रशीदी की बात कर रहे हैं, कहाँ बातों में आ गया, इतने मजे पत्रकार हैं, आपको नहीं पता इनकी रोटियां चल रही है राम मंदिर के नाम पे, आपको नहीं पता आज ये सत्ता में बैठे राम मंदिर के नाम पे, मसले को आगे बढ़ाते हैं, मुझे खत्म हो जाएगा सब कुछ, इनके बाद बचेगा कुछ नहीं राम मंदिर बनने के बाद, कैसे सीख रहे देख लीजिए, फिर ये कोई ना कोई और मस्जिद तलाश करेंगे, फिर ये कोई ना कोई और मुसलमान तलाश करेंगे जिसकी मोबिलिंग करेंगे। चलिए हम की राजनीति से चल रही है, प्रेम एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, तरफा सेक्युलरिज्म एक्सपोज्ड है, बेनकाब है, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, इनका सेक्युलरिज्म तो एक्सपोज हो गया, लेकिन हरिशंकर जैन साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 24 साल बाद इस मामले को राजीव धवन एकाएक क्यों ले आए, क्या मंशा थी उनकी? देखिए बड़ा साफ है कि जो कुछ किया गया या जो सवाल उठा कि केस को डिले करने के लिए किया गया कि ये केस फैसला न होने पावे, ये इस्माइल फारूकी केस 94 में आ गया, उसके बाद अगर वो चाहते तो रिव्यू पेटिशन फाइल कर सकते, उसी में करते, पंजाब में करते थे, 24 साल बैठे रहे, पहले कहा गया 2019 से पहले फैसला ना हो, जब ये कोर्ट ने नहीं माना तो ये उठा दिया कि साहब ये पहले ये हो जाए, इस्माइल फारूकी केस रेफर किया जाए, जबकि नमाज कहां पढ़ी जाए कहां न पढ़ी जाए आज ये लोग भी दे रहे हैं, क्या इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इस केस से कोई मतलब नहीं है, अगर सच्चाई है तो आप उठाए क्यों, उठाए के वजह इसलिए कि फैसला न हो। नंबर एक बात, नंबर दो बात यह है कि जिसमें सुलह समझौते की बात है, देखिए वो कभी नहीं हो सकता, सुलह कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सही बोलता हूँ हमेशा, क्यों सुलह कभी नहीं हो सकती कि हिंदू एक इंच जमीन मस्जिद के लिए या मुस्लिम के नाम पर छोड़ने को तैयार नहीं है, समझौता होता है इवेंट, वेरी गुड, हम एक इंच जमीन नहीं छोड़ सकते, और ना अयोध्या के परिक्षेत्र में, महासभा जिंदाबाद, मैं कह रहा हूँ साफ कह रहा हूँ सामने, हिंदू महासभा जिंदाबाद, और ना कुछ नहीं है, और महासभा जिंदाबाद ना, देखिए हम आपको बीजेपी नहीं बोले, ये पार्टी मैं बीजेपी पर नहीं बोला, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी कुछ नहीं है, महासभा जिंदाबाद, हिंदू महासभा की बात नहीं, हिंदू अजय हिंदू बात कर रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी तो कहलवा दीजिए कि आप ही सब कुछ है, कुछ नहीं है, हमको बोलने से डिस्टर्ब मत कीजिए, दूसरी बात शामिल हो जाइए, समझौता नहीं हो सकता, वेरी गुड, और न मुस्लिम की वहां किसी प्रकार की परिक्षेत्र में कोई मस्जिद बनने देंगे, कभी भी स्वीकार हिंदू जनता को नहीं हो सकता, फैसला हो न्याय से, प्रेम शुक्ला जी अब बताइए कट्टर ये है कि मैं कट्टर हूँ, बताइए मैं कट्टर हिंदू हूँ, वो कह रहे हैं वो कट्टर हिंदू, मैं कट्टर हिंदू हूँ, क्या है कट्टर मुसलमान, एक रुक जाइए, एक रुक जाइए, आप क्यों से धार्मिक आदमी तो होता ही कट्टर है, आप तो धर्म निरपेक्ष की धार्मिक आदमी होता ही कट्टर है, आपने बोला अपने धर्म पर अमल करने वाले को अगर कट्टर कहा जाता है तो मैं कट्टर हूँ, अब आपने बोला, अब आपने हकीकत बयां की, अगर अपने आपने हकीकत बयां की जो प्रेम शुक्ला साहब कहलवाने की कोशिश कर रहे थे वो आपने अब अपने मुंह से कह दिया, चौरासी आजी अगर आपने धर्म पर अमल करना कट्टरता है तो संविधान में चेंजिंग करा दीजिए, क्योंकि संविधान ने कहा है कि अपने धर्म पर अमल करना हर आदमी का हर नागरिक का बुनियादी उसूल है, धर्म बुनियादी बुनियादी उसका नहीं, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को अपनाना, किसी भी धर्म पर अमल करना जरा हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये मेरे बीच बोले मेरे पूरी होने की, हरिशंकर देखिए एक नहीं हिंदुस्तान की साफ इतिहास बताता है कि 100 मस्जिदों को मंदिरों को इन लोगों ने थोड़ा मस्जिद बनाई, इसके बाद हिंदू कुछ नहीं बोला कि हम सहिष्णु हैं, हम मानते रहे, और पर अब घड़ा भर गया है,
अब नहीं मान सकते। अभी तो 24 साल का आप बोल रहे थे, आप कहीं से सब पे क्यों बोल रहे हैं? देखिए ये बात नहीं चल रही, मस्जिद तो देखिए ये नहीं चल रही, अगर आपकी मान नहीं ना बात नहीं, 24 साल के बाद आज क्यों बोल रहे हैं आप भाई? ये नहीं चल रही, 24 साल के बाद अभी ऐतराज आपने किया कि 24 साल बाद ये मामला क्यों आया, तो बाबरी मस्जिद अब 24 साल के बाद क्यों आया? बात करने दीजिए, बात करने दीजिए, आप बीच मत बोलिए, मैं आगे बीच में कभी नहीं बोलता हूँ। देखिए मैं आपको डेट बता दूं, मैं इस केस को पिछले 27 साल से कर रहा हूँ लगातार, और मस्जिद मस्जिद कब मंदिर कब टूटा था आप दो मिनट रुक जाइए, आप मुझे बता दीजिए, आप दो मिनट रुक, मस्जिद बनी थी 1527 में, आप सिर्फ 27 साल यानी 1500 साल के बाद, 1500 साल के बाद आप केस लड़ रहे हैं क्यों भाई? नहीं बता रहे आपको, 24 साल पे तो आपको ऐतराज है, 1500 साल पे ऐतराज नहीं है, बोलने नहीं दे रहे, ये कौन सी बात हुई? यही तो बात है, ये नहीं चलेगा क्या बोलना? देखिए जब हम स्वतंत्रता पा गए उसके बाद से जो गुलामी जितने चिन्ह थे वो हटे और हिंदुओं को स्वतंत्रता मिले, उनके धार्मिक अधिकार जो मुसलमानों ने छीन लिए थे उसका रेस्टोरेशन की कार्रवाई, बात सुन लीजिए, बोलिए, कब हुए थे आप मुसलमानों को गुलामी से आजाद? ये बता दीजिए ना, इस तरह चलेगा नहीं, कब हुए थे वो सब भी तो बता दीजिए, मुसलमानों को गुलामी से कब आजाद हुए? आपने स्वीकार किया मुसलमानों को गुलाम थे, आप कब आजाद हुए? हमें तो अब तक ये पता है कि अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ है, आप मुझे बोलने दीजिए, ये नया शब्द आपने छोड़ दिया, ये नहीं, ये नहीं, मुसलमानों की गुलामी से हम आजाद हुए, सब हुए तो बोलने दीजिए ना, तरह की बातें आप कर रहे हैं, आप विद्वान आदमी है, अरे विद्वान उम्र आपकी लग रही है मुझे, देखिए इससे कोई गलत बात है कि आपने उम्र साहब खुद अन्याय कर रहे हैं, आप मुफ्ती है उसके बाद नहीं, आप मैं आपकी उम्र के साथ इंसाफ कर रहा हूँ, सही से बात करिए, प्रेम शुक्ला भी ऐसी बातें नहीं कहते जैसे आप कह रहे हैं, हम शुक्ला से बात, हम आजाद हो गए, बिल्कुल कह रहा हूँ, पहले मुसलमान आए उसके बाद अंग्रेज आए, 1547 में आजादी मिली, उसके बाद 49 मंदिर आंदोलन शुरू हो गया, और 1900 में डेट बता रहा हूँ, 16 जनवरी 1950 को मुकदमा दाखिल हो गया और उसमें स्टे हुआ कि मंदिर है मूर्ति पूजा होगी को रोके ना, आपने कोई रोके ना, हाँ जजमेंट था, जजमेंट है, 16 जनवरी 1950 ऑर्डर जजमेंट है, ये फैसला ऑर्डर है मेरे पास, इसके बाद आप बस सुन लीजिए, सहन शक्ति रखिए, हिंदू सहन करता है मुसलमान सहन नहीं करता है, बिल्कुल आपका 17 दिसंबर 1961 को आपने मुकदमा दाखिल किया कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी, 12 साल में 3 दिन कम था आप बैठे रहे, 12 साल सहते रहे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है उस वक्त, और उसके बाद मैं दिखला दू 50 जगह कि जहाँ पर मंदिर के जिन्हें आपने मस्जिद खड़ी कर दी हम कुछ नहीं बोले, और अयोध्या में यही नहीं, खाली एसआई की रिपोर्ट नहीं है, 14 कसौटी के पिलर चीख चीख के कह रहे हैं कि राम मंदिर था, राम मंदिर तोड़कर उसके उसमें पत्थर लगाए गए और वो खंभे खड़े किए गए, तो राम मंदिर है रहेगा और हिंदुस्तान में राम नहीं रहेगा तो क्या इस्लाम रहेगा? राम के बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, राम मंदिर तो बनेगा। एक आखिरी सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने आज इस बहस में अपने प्रवक्ता को भेजने से इनकार कर दिया, क्या कांग्रेस डरी हुई थी, क्या कांग्रेस लटकाना चाहती थी इस मुद्दे को, संक्षेप में? निश्चित तौर पर 1850 के दशक में मंदिर पर ताला लगाने का काम किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया। जिस तरह से सोमनाथ जी के साथ न्याय हुआ उस तरह से अयोध्या में भी न्याय होना चाहिए था, जो कह रहे थे यहां पर विश्व या हिंदू महासभा के वकील जो कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कपिल सिब्बल क्या कर रहे थे आके कोर्ट में? सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से आए और कहा 2019 के बाद क्यों आज क्यों नहीं सुनवाई होनी चाहिए? इसका कारण यह है कि उनको वोट बैंक की राजनीति, मुसलमानों का जो वोट है वो कांग्रेस को एकमुश्त हमेशा इस नाम पर मिलता रहा कि वो बाबर के गोरी के तुगलक के साथ खड़े रहे, वो राम के साथ नहीं खड़े हुए, कृष्ण के साथ नहीं खड़े हुए, बुद्ध के साथ, अगर राम के साथ खड़े हैं तो आपको एहसास हो रहा है, राहुल अगर राम के साथ खड़े हैं आक्रांत, अब आपने उनके हिंदुत्व पे सवाल उठा दिए, अगर राहुल राम के साथ खड़े हैं तो आप उन पर सवाल उठा रहे हैं, राम के साथ मंदिर क्यों जा रहे हैं, राम के पास क्यों जा रहे हैं? अयोध्या को लेकर एक जजमेंट आया और वो अपना स्पोक्स पर्सन सबसे बड़ा सबूत है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 29 तारीख से हफ्ते में 3 दिन हियरिंग होगी अयोध्या केस की, और अयोध्या केस की अगर हफ्ते में 3 दिन हियरिंग होती है तो जल्दी इस पर फैसला आएगा, और अयोध्या में जैसा कि आज की तारीख में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था अब की दिवाली अयोध्या वाली, क्या ये हो पाएगा, क्या ये संभव होगा, इस पर
सबकी नजरें लगी होंगी। हमारी खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।